नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इसके अलावा आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ष 2021 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2021 बहुत कुछ खास लेकर आ रहा है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। क्योंकि 2020 में हर एक व्यक्ति ने हर एक परिस्थिति में कड़ी चुनौतियों का सामना किया और हर एक स्थिति में जूझा, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति चेंज जरूर होगी। क्योंकि 2021 देखा जाए तो बुध का साल है, यानी एक तरह से परिवर्तन का साल है, चेंजेस तो जरूर आएंगे। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास बदलाव आएंगे, आप लोगों के लिए इस विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की आर्थिक स्थिति, आप लोगों के करियर की। तो आर्थिक स्थिति और करियर आप लोगों का काफी हद तक खास रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीवन में आपको इस वर्ष तरक्की जरूर प्राप्त होगी। कोई भी अगर कार्य करना चाहते हैं तो आप जनवरी से लेकर के और मई तक का समय बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप नया व्यापार आरंभ कर सके, तो ये समय आप लोगों के लिए काफी हद तक खास रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें मई से लेकर के सितंबर तक का समय थोड़ा सा आपका चुनौती भरा रह सकता है। यदि इस समय पर आप लोन्स लेते हैं या किसी अन्य तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर बाजार ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां जरूर आएंगी। आप इस समय पर अगर लोन्स लेंगे तो उसको सही तरह से चुका नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान रख करके चले। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों की नौकरी की, व्यापार की, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए व्यापार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफी हद तक खास है। क्योंकि इस समय पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप कुछ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। वहीं पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये समय खास है, मगर जो आपके कलीग्स होंगे उनसे थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इस वर्ष अपने बॉस से, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे प्रेज मिलेगी, जिसकी वजह से आपके कुलीग्स इस समय पर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं और आपकी निंदा कर सकते हैं। तो कार्य में आप आगे बढ़ते रहें, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस रख के आपको चलना है। वहीं पे आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से ये जो वर्ष रहेगा 2021 थोड़ा सा गड़बड़ी वाला रह सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना रहे, नहीं तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा सिर दर्द आपको इस वर्ष रह सकता है। जो लोग ऑलरेडी एडिक्शन में हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रख करके चले कि एडिक्शन से बचने का प्रयास करें, नहीं तो और भी ज्यादा आप एडिक्शन में इस वर्ष जा सकते हैं। अगर आपके लव रिलेशनशिप की, आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो पारिवारिक जीवन काफी हद तक मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा, उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। क्योंकि वर्ष के मध्यम भाग में, यानी अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक का समय होगा, काफी हद तक आपका कष्ट पूर्वक बीत सकता है, क्योंकि इस समय पर आपको अपने घर के सदस्यों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं पे अंतिम भाग जो होगा 2021 का, इस समय पर आप अपने माता पिता के साथ किसी भी प्रकार की यात्रा पे जा सकते हैं और माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपके लव लाइफ की बात करें, विवाहित जीवन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो वर्ष शुरू होगा, यानी वर्ष का आरंभ जो होगा जनवरी से लेकर के और मार्च तक, काफी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय पर आप अपने पार्टनर को उपहार दे भी सकते हैं और उनसे उपहार ले भी सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं। मगर जो मध्यम भाग होगा 2021 वर्ष का, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय पर किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपको इस समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। अगर आप क्रोध से पेश आते हैं और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आपका पार्टनर अगस्त के महीने में घर छोड़ के भी जा सकता है, यानी सेपरेशन की भी बात आ सकती है। जो ऑलरेडी पहले से ही कहीं ना कहीं सेपरेशन का केस लड़ रहे थे, डिवोर्स का केस लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए ये साल
कहीं ना कहीं डिवोर्स लेकर के आ सकता है, सेपरेशन लेकर के आ सकता है। और अगर हम बात करें इस चीज की कि अगर आप उस टाइम पे सुलह कर लेते हैं अपने जीवन साथी के साथ, क्रोध ना रखते हुए, ईगो ना रखते हुए, तो कहीं ना कहीं वर्ष का अंतिम चरण जो होगा आप लोगों के लिए काफी खास होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार की यात्रा पे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बॉन्ड जो है आप लोगों का अच्छा क्रिएट होगा। तो इस तरह का रहेगा आपका 2021 का वर्ष। मगर सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इन सब चीजों में आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ध्यान रख करके चलें, और इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें, आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, और मुझे आप फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल पे। नमस्कार, जय श्री राधे।